डियर स्टूडेंट्स एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है आज की वीडियो में हम लेवल वन के क्वेश्चन इलेवन टू ट्वेंटी डिस्कस करेंगे लेट्स स्टार्ट बाय क्वेश्चन इलेवन क्वेश्चन इलेवन में अपने को क्या बोल रहा है एस्प्रीन हैज द फॉर्मूला सी नाइन एच एट ओ फोर हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन ए टेबलेट वेइंग थ्री सिक्सटी मिलीग्राम तो हमारे पास एस्प्रीन एक मोलिकुल दिया हुआ है इस एस्प्रीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा सी नाइन एच एट ओ फोर ठीक है इसके बेसिस पे अपन इसका मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे आप नाइन इंटू कार्बन का ट्वेल्व हाइड्रोजन एट इंटू वन ऑक्सीजन का फोर इंटू सिक्सटीन तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा वन एटी ग्राम ठीक है तो हमारे पास इसके बेसिस पे अपन मोल्स ऑफ एस्प्रे निकालें तो मोल्स के लिए आपके पास थ्री सिक्सटी मिलीग्राम वेट दिया हुआ है तो थ्री सिक्सटी इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास 180 ग्राम तो इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मोल आ जाएगा मोल्स ऑफ एस्प्रीन इसमें कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यहाँ पर कितने मोलिक्यूल्स होंगे टू इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री एन ए होंगे एस्प्रीन के और हमारे पास एक मोलिक्यूल यदि अपन ले लें सी नाइन एच एट ओ फोर का तो इसमें कितने एटम्स होंगे यहाँ पर फोर ऑक्सीजन एटम्स होंगे एक मोलिक्यूल में और हमारे पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने दिए हुए यहाँ पर टू इंटू टेन टू द माइनस थ्री एन ए तो टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे टोटल ऑक्सीजन एटम्स आर टू इंटू टेन टू द माइनस थ्री इंटू एन ए इंटू फोर हो जाएंगे इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये हो जाएगा एट इंटू टेन टू द माइनस थ्री मल्टीप्लाई कर दीजिए सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू ट्वेंटी थ्री जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगी फोर पॉइंट एट वन इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी वन जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ऑप्शन डी से मैच कर रहा है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास ट्वेल्थ ट्वेंटी ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन्स ओनली एटम्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन ऑक्युपाइज फाइव पॉइंट सिक्स लीटर एट वन ए टी एम एंड टू सेलविन वट इज द मोलिकुलर मास ऑफ गैस तो सबसे पहले गैस हमारे पास दी हुई है तो इसके लिए अपन आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं पी वी इज्कवल टू एन आर टी जहाँ एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स है नंबर ऑफ मोल्स को अपन वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास से डिफाइड कर सकते हैं इन टू आर टी तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा इससे अपन मोलिकुलर मास निकालना चाहे तो मोलिकुलर मास हमारे पास ये वाला है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी डब्ल्यू आर टी डिवाइडेड बाई पी वी अब हमारे पास वैल्यूज क्या क्या दी हुई है यहाँ पर वेट ऑफ गैस दिया हुआ है ट्वेंटी ग्राम आर की वैल्यू गैस कॉन्स्टेंट है जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन आ जाएगी फिर हमारे पास टेम्परेचर कितना दिया हुआ है यहाँ पर टू सेवेंटी थ्री कैलविन टेम्परेचर टू सेवेंटी थ्री केलविन हो गया प्रेशर हमारे पास वन एटमोसफेरिक प्रेशर दिया हुआ है वॉल्यूम हमारे पास फाइव पॉइंट सिक्स लीटर दिया हुआ है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी एट्टी आ जाएगी तो ये हमारा गैस का मोलिकुलर तो मास हो जाएगा तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा ठीक Next है नेक्स्ट है थर्टीन ए सैम्पल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट कंटेन सिक्स मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास यहाँ पर क्या है

हाइड्रोजन एटम्स गिवन है इसके बेसिस पे हमारे पास अमोनियम फोस्फेट के कितने मोल्स होंगे हाफ मोल होगा हाफ मोल अमोनियम फोस्फेट अब अमोनियम फोस्फेट का हमारे पास हाफ मोल होता है तो इसमें कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे अपने पास एक मोल में कितने ऑक्सीजन एटम्स है फोर मोल्स ऑक्सीजन एटम्स है तो यहां पर कितने हो जाएंगे हाफ मल्टीप्लाइड बाई फोर यह हो जाएगा टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऐटम तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है फोर्टीन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन थ्री लीटर ओ थ्री गैस एट ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट पॉइंट टू वन ए टी एम तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर ओजोन गैस दी हुई है ओजोन गैस के साथ में क्या दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है थ्री लीटर प्रेशर दिया हुआ है एट पॉइंट टू वन ए टी एम टेम्परेचर दिया गया है यहाँ पर 27 सेवन प्लस टू सेवनटी इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड तो हमारे पास क्या निकालना है यहाँ पर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा सबसे पहले अपन मोल्स ऑफ ओ थ्री गैस निकालेंगे तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी अपन लगा दें तो यहाँ पर जो मोल्स होंगे वो किसके होंगे ओ थ्री गैस के होंगे तो आर टी अपन ने निकाल दिया तो यहाँ पे मोल्स ऑफ ओ थ्री हमारे पास क्या आ जाएगा पी वी बाई आर टी प्रेशर हमारे पास कितना दिया हुआ एट पॉइंट टू वन वॉल्यूम हमारे पास कितना है 300 हंड्रेड कैलवीन आर हमारे पास 0.0821 हो जाएगा टेम्परेचर हमारे पास सॉरी वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर 3 लीटर है 300 हंड्रेड नहीं है टेम्परेचर हमारे पास 300 हंड्रेड कैलविन होगा ठीक है तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 8.21 पॉइंट टू वन इंटू इसी तरह से यहां पर भी क्या हो जाएगा यहां पर भी हो जाएगा 8.21 पॉइंट टू तो यहां पर कितने मोल्स हो जाएंगे ये वन मोल हो जाएगा तो वन मोल हमारे पास क्या है मोल्स ऑफ ओ है अब हमारे पास क्या चाहिए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे थ्री मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ ओ थ्री क्योंकि हमारे पास ओ थ्री में कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के थ्री तो यहाँ पे थ्री इंटू वन तो टोटल कितने मोल्स आ जाएंगे थ्री मोल्स आ जाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्टींथ फिफ्टीन्थ में हमें क्या पूछा गया कि हमारे पास थ्री पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन टू दबाउ ट्वेंटी टू आइटम्स ऑफ एन एलिमेंट वीज 1.115 ग्राम द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज यानी उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास आपको वन मोल का वन मोल एलिमेंट मास निकालना है क्लियर तो हमारे पास क्या है सबसे पहले यहाँ पर 3.011 पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी टू एटम्स दिए हुए हैं तो इसके मोल से निकालने के लिए क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे 6.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री से ठीक है तो इससे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा वन बाई ट्वेंटी मोल्स ऑफ एलिमेंट यहाँ पर प्रजेंट है जिसका वेट कितना हो रहा है जिसका वेट हो रहा है वन ग्राम अब ये वन बाई ट्वेंटी मॉल ऑफ एलिमेंट का भी है तो अपने पास वन मोल का कितना हो जाएगा वन मोल का मास हो जाएगा अपने पास वन पॉइंट वन फाइव डिवाइडेड बाई वन बाई ट्वेंटी तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा वन पॉइंट वन फाइव इंटू ट्वेंटी क्वल टू ट्वेंटी थ्री तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा यही हमारा एटॉमिक मास हो जाएगा किसका इस एलिमेंट का तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन डी ट्वेंटी थ्री एटोमिक मास यूनिट करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटीन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स वी सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री ग्राम सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री ट्वेंटी दोपहर माइनस ट्वेंटी थ्री ग्राम तो ये मास ऑफ एन एटम दिया हुआ है कितना 6.643 पॉइंट सिक्स फोर थ्री इंटू टेन टू माइनस ट्वेंटी ग्राम तो हमारे पास वन मोल का मास कितना होगा वन मोल ऑफ मास ऑफ एन एटम क्या हो जाएगा इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे अब नंबर से 6.643 पॉइंट सिक्स फोर थ्री इंटू टेन टू द माइनस ट्वेंटी मल्टीप्लाई कर दिया आपने 6.02 पॉइंट ज़ीरो टू इंटू टेन टू ट्वेंटी से ठीक है इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी ये आ जाएगी फोर्टी ये हमारा क्या हो जाएगा इसका वन मोल का मास हो जाएगा तो अपन यदि हमारे पास कितने टोटल मास दिया गया ट्वेंटी किलोग्राम अपने पास दिया गया यानी ट्वेंटी इंटू टेन टू द पावर थ्री ग्राम हमारे पास मास दिया गया तो मोल्स ऑफ दिस एलिमेंट मोल्स ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे ये अपने को देखना है तो हमारे पास मास दिया हुआ है ट्वेंटी किलोग्राम ट्वेंटी इंटू टेन टू द पावर थ्री और इसका मोलिकुलर वेट कितना है फोर्टी तो फोर्टी से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कैलकुलेट करने पर कितने आ जाएंगे फाइव हंड्रेड मोल्स हमारे पास आ जाएंगे इस एलिमेंट के ट्वेंटी किलोग्राम सैंपल में तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास नेक्स्ट है सेवनटीन मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट ए इज गिवन हाउ मेनी एटम्स आर कंटेंड इन वन ग्राम ऑफ द एलिमेंट तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमारे पास वन एटम का मास कि हमारे पास वन एटम ए हैज़ मास हमारे पास कितना मास है कि 3.9854 पॉइंट नाइन एट फाइव फोर इंटू टेन टू माइनस ट्वेंटी थ्री ग्राम इसको आप कैसे देख सकते हैं कि इतना मास हमारे पास किसका है एक एटम मास का है तो एक ग्राम मास में कितने एटम्स होंगे एक ग्राम मास में हमारे पास में एटम्स हो जाएंगे डिवाइडेड बाई वन ये वन एटम था यहाँ पर तो यहाँ पर थ्री पॉइंट नाइन एट फाइव फोर इंटू टें टू माइनस थ्री को डिनोमिनेटर में अपन डाल देंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे टू पॉइंट फाइव जीरो नाइन इंटू टेन टू द पॉवर ट्वेंटी टू एटम्स दैट मीन्स वन ग्राम सैम्पल में हमारे पास इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे जो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है अपने पास यहाँ पर यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ नहीं यहाँ पे टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री दिया हुआ है यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है टेन टू द पावर ट्वेंटी टू तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है एटीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द लार्जेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लार्जेस्ट मास अपने को निकालना है तो फर्स्ट ऑप्शन अपन ने देखा फाइव मोल्स हमारे पास दिए हुए हैं फाइव मोल्स क्या सी टू एच टू ओ फोर तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन के मोल्स हो जाएंगे यहाँ पर टेन मोल हाइड्रोजन हो जाएंगे टेन मोल हाइड्रोजन का क्या मतलब है टेन इंटू वन यानी टेन ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है बी में देखें तो यहाँ पर वन पॉइंट वन मोल क्या दिया हुआ है सी थ्री एच एट ओ थ्री दिया हुआ है तो यहाँ पर कितने मोल्स हाइड्रोजन हो जाएंगे वन पॉइंट वन मल्टीप्लाइड बाई एट तो ये हो जाएंगे एट पॉइंट एट मोल हाइड्रोजन एट पॉइंट एट मोल हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा एट पॉइंट एट ग्राम इसी तरह से सी में देखें सी में हमारे पास कितने दिए हुए हैं एट आइटम्स है एक मोलिक्यूल में तो वन पॉइंट फाइव मोल्स में कितने हो जाएंगे वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई एट करेंगी तो हमारे पास यहाँ पर ये ट्वेल्व मोल्स हो जाएंगे हाइड्रोजन आइटम्स के ट्वेल्व मोल्स का मतलब है ट्वेल्व ग्राम हाइड्रोजन इसी तरह से यहाँ पर देखें फोर मोल सी टू एच फोर ओ टू एक मोलिक्यूल्स में हमारे पास फोर हाइड्रोजन आइटम्स है तो फोर मोल्स में कितने हो जाएंगे फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर यानी सिक्सटीन मोल्स हाइड्रोजन सिक्सटीन मोल हाइड्रोजन यानी सिक्सटीन वन टू वन ग्राम हाइड्रोजन सिक्सटीन ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा तो हाइएस्ट मास अपने को हाइड्रोजन का कहाँ मिल रहा है ऑप्शन डी में सिक्सटीन ग्राम अपने पास सबसे हाइएस्ट है ठीक है नेक्स्ट है नाइनटीन विच हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स किस में ऑक्सीजन एटम के सबसे कम नंबर होंगे ये अपने को निकालना है तो सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं 10 ml H2O लिक्विड अब सबसे पहले तो H2O लिक्विड के अपन मोल्स निकालना चाहे तो यहाँ पर अपने पास वेट दिया होना चाहिए था मास तो इसके लिए अपन क्या करें कि डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास क्या होती है वन ग्राम पर एम इसके बेसिस पे आप मास ऑफ एच निकाल सकते हैं ठीक है तो मास ऑफ एच हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 ग्राम हो जाएगा ठीक है टेन ग्राम हो गया इससे अपन मोल्स ऑफ एच टू निकाल देंगे मोल्स ऑफ एच टू हमारे पास क्या होगा टेन बाई एटीन ग्राम हो जाएगा मोलर मास से आपने डिवाइड कर दिया और इसी में अपने पास एच टू के कितने एच टू में ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास कितने वन एटम है तो जितने मोल्स एच टू हो के होंगे उतने ही मोल्स हमारे पास ऑक्सीजन के होंगे तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो जाएगा टेन बाई एटीन ठीक है तो यही इसी को आप क्या कर देंगे एन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ये टोटल ऑक्सीजन एटम्स इन एच टू इन टेन एम एल एच टू ये हमारे पास क्या हो जाएगी ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ठीक है इसी तरह से बाकी एक्सप्रेशन को भी अपन सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास बी ऑप्शन में देखिए जीरो पॉइंट वन मोल वी टू ओ फाइव दिया हुआ है तो हमारे पास वन मोल में ऑक्सीजन के कितने मोल होते फाइव तो जीरो पॉइंट वन मोल में कितने होंगे जीरो पॉइंट वन इन टू फाइव दैट मीन्स जीरो पॉइंट फाइव मोल ऑक्सीजन जीरो पॉइंट फाइव मोल ऑक्सीजन एटम हो गया दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे ज़ीरो पॉइंट फाइव एन ऑक्सीजन ऐटम्स हो जाएंगे ठीक है इसी तरह से अपन सी को कर लेते हैं सॉल्व सी में हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास ट्वेल्व ग्राम ओ थ्री गैस दी हुई है ओ थ्री का अपने पास मोलिकुलर मास अपन निकालें तो कितना हो जाएगा सिक्सटीन इन थ्री तो ये फोर्टी एट ग्राम हो गया तो हमारे पास मोल्स निकालें नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हो जाएगा ट्वेल्व बाई फोर्टी एट तो ये हो जाएगा वन बाई फोर मोल वन बाई फोर मोल का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ओ थ्री में कितने ऑक्सीजन एटम्स है ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पर हमारे पास थ्री है तो यहां पर वन बाई फोर मोल किसका है ओ थ्री का है तो हमारे पास मोल्स ऑफ ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ थ्री है तो यहाँ पे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तो होगा वन बाई फोर इंटू थ्री तो ये हो जाएंगे थ्री बाई फोर मोल तो हमारे पास एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन वो क्या हो जाएंगे थ्री बाई फोर एन ए ये हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएंगे ठीक है इसी तरह से अपन यहाँ पर देखें डी ऑप्शन डी ऑप्शन में हमारे पास क्या है यहाँ पर 12.044 पॉइंट जीरो फोर फोर इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी टू मोलिक्यूल्स ऑफ सी दिया हुआ है तो मॉल्स ऑफ सी निकालने के लिए अपन 6.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास करेंगे तो ये 10 आ जाएगा यानी 2 बाई टेन विच इज़ इक्वल टू वन बाई फाइव तो 1 बाई फाइव मोल यहाँ पर क्या है कार्बन डाईऑक्साइड इससे अपन ऑक्सीजन के मोल निकालना चाहिए तो एक मोल में ऑक्सीजन के दो आइटम हैं तो हमारे पास वन बाई फाइव में टू बाई फाइव मॉल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर कितने एटम्स हो जाएंगे टोटल ऑक्सीजन एटम्स टोटल ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे टू बाई फाइव इन टू एन ई तो यहाँ पर सभी जगह अपने को इनको इंटीजर वैल्यूज में कैलकुलेट कर लेना है तो इसको आप यदि कैलकुलेट करते हैं टेन बाई एटीन एन ई तो ये इक्वल टू आ जाएगा कितना अराउंड 0.55 पॉइंट ठीक है इसी तरह से यहाँ पे 0.5 पॉइंट दिया हुआ है इसी तरह से आप क्या करेंगे 3 बाई फोर करेंगे तो 3 बाई फोर करने पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.75 पॉइंट ठीक है और इसी तरह से आप 2 बाई फाइव करेंगे 2 बाई फाइव करने पे हमारे पास ये आ जाएगी 0.4 पॉइंट फोर एन एक्सीजन एटम्स तो अपने को क्या पूछा गया था मिनिमम नंबर कहाँ पर होगा तो मिनिमम नंबर अपने को जो दिख रहा है यहाँ पर वो 0.4 पॉइंट ए दिख रहा है तो हमारा पास ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी रीअरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासिस दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए इनके टोटल मास अपने को निकालना है सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है फर्स्ट 0.5 पॉइंट मोल ओ दिया हुआ है ओजोन का सिंपल वन मोल का मास कितना हो जाएगा थ्री इंटू ग्राम तो जीरो मोल का कितना हो जाएगा यहाँ पर मास हो जाएगा हमारे पास 0.5 पॉइंट फाइव इंटू थ्री इंटू सिक्सटीन विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 24 ग्राम हो जाएगा इसी तरह से सेकेंड का निकाल लेते हैं तो 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है तो ग्राम एटम का मतलब क्या होता है मोल होता है तो हमारे पास 0.5 पॉइंट मोल ऑक्सीजन एटम अपने पास दिया हुआ है तो 0.5 पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 तो इससे कैलकुलेट करेंगे तो 8 ग्राम ऑक्सीजन का मास हो जाएगा इसी तरह से थर्ड में अपन देखें तो यहाँ पर थ्री पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन टू द ट्वेंटी थ्री मोलिकूल्स दिए हुए हैं तो इससे अपन नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे तो ये सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू द ट्वेंटी थ्री इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा वन बाई टू मॉल्स ऑफ ओ टू हमारे पास दिया हुआ है तो इसका वेट अपन निकालें इसका यदि आप मास ऑफ ओ टू निकालते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा वन बाई टू ऑक्सीजन का थर्टी टू विच इज़ इक्वल टू सिक्सटीन ग्राम और हमारे पास फोर्थ ऑप्शन 5.6 लीटर ऑफ सी ओ टू एट वन ए टी एम एंड टू सेवेंटी थ्री कैलविन तो हमारे पास पी वी टू एन आर टी आप लगाइए पी वी टू एन आर टी से अपन मोल्स ऑफ सी ओ टू निकालेंगे तो हमारे पास पी वी अपन आर टी एक्सप्रेशन आएगा प्रेशर हमारे पास कितना दिया हुआ है प्रेशर हमारे पास वन ए टी एम है वॉल्यूम 5.6 फाइव पॉइंट सिक्स लीटर है आर टी हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन गैस कांस्टेंट टेम्परेचर टू सेवनटी थ्री कैलविन है इसको सॉल्व करेंगे तो फाइव पॉइंट सिक्स ट्वेंटी टू पॉइंट फोर मोल्स आ जाएगा अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 होता है तो यहाँ पर अपन मास ऑफ सी ओ टू निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे मोलर मास यानी 44 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 11 ग्राम तो यहाँ पर अपन मास के बेसिस पे इसको अरेंज करते हैं तो हमारे पास मास सबसे ज़्यादा किसका है यहाँ पर ट्वेंटी ग्राम सबसे ज़्यादा है तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा है उसके बाद हमारे पास सिक्सटीन यानी थर्ड सबसे ज़्यादा है इसके बाद एट और इलेवन फोर्थ सबसे ज्यादा है फिर सेकेंड तो ये हमारा करेक्ट मास का ऑर्डर होगा जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ऑप्शन ए से मैच कर रहा है ठीक है